पर चर्चा को आगे ले चलते हैं सर। और वर्तमान में जैसा कि आप राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसके बारे में हम और विस्तार से जानना चाहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय जो है उसको दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है, और आत्मनिर्भर भारत जो है उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी आयोग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी कृपया बताएं। बहुत सही कहा आपने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन और मिशन के साथ पूरे देश में अनेक ऐसे प्रकल्प शुरू किए, उसमें बेसिकली जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अब तक कहीं ना कहीं समाज में सुसुप्त अवस्था में ऐसे एरिया को उजागर करके कैसे देश की समृद्धि के लिए उनका उपयोग किया जाए, और गांव रूरल डेवलपमेंट से लेकर के जितनी भी समस्याएं उनका सॉल्यूशन कहाँ पड़ा, और उसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का रोल। जैसे आपने कहा, गाय हमारी माता है, गाय सर्व सुख प्रदा, सभी सुख देने वाली, ये कोई सिंपल संस्कृत का श्लोक नहीं है। कल मैं हिसार में वेटरनरी यूनिवर्सिटीज के सभी साइंटिस्ट के साथ बैठा था, उस समय मैंने कहा कि संस्कृत के श्लोक को आप केवल एक मीथ या तो संकुचित अर्थ में न देखो। गोमय वसते लक्ष्मी कहा गया, यानी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास, यानी कि लक्ष्मी ढूंढे मत जाओ, यहाँ कोई लक्ष्मी माता दिखाई देती है, यह नहीं है। एक श्लोक है, एक समझो कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हम सिद्धांत कहते हैं ना कभी कभी कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, तो उनको मान लेते हैं, उनको बाद में विस्तृत करके समझाते हैं। तो मैंने कहा कि इनका भी गोमय वसते लक्ष्मी हो, या तो गाय मातर सर्वभूतानां गाव सर्व सुख प्रदा, मातर सर्व सुख प्रदा, सोचो सर्व सुख देने वाली, न कोई केवल लौकिक सुख। ये सबको कैसे उजागर करे, इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने विविध आयामों पर काम करना शुरू किया। और वैसे विविध आयामों में आपने जैसे कहा कि जो गाय को गोधन माना जाता था, गाय हमारे परिवार का सभ्य थी, गाय आधारित हमारी संस्कृति थी, हमारे ऋषि मुनि रहते थे आश्रम में कहीं नदी के किनारे, बिल्कुल एकदम फक्कड़ अवस्था में, यानी कि सिंप्लिसिटी से, लेकिन गाय अवश्य पालते थे, गाय माता की सेवा करते थे। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? गाय में कहते कि 33 कोटि देवता का वास है, तो 33 कोटि देवता है ना, व्हाट हाउ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उनको कैसे उजागर कर सके? हमारी नई पीढ़ी को कहेंगे कि 33 कोटि देवता है, वो फोटो गाय का जो आता है उसमें बता देंगे कि यहाँ लक्ष्मी जी है, यहाँ गणेश है, यहाँ विष्णु है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, या तो मानेंगे नहीं, दे विल नॉट बिलीव। आज के बच्चे बहुत गर्वा है ना, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि देखिए देवता किसको कहते हैं। देवता यानी कि एक ऐसे महापुरुष जो भी विद ऑल वर्च्यूज, इतने गुण है, इतने क्वालिटीज होती है, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा दया माया, जितनी भी हम कहते हैं ना, ऐसी क्वालिटीज वाले श्रेष्ठ इंसान को, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, उनको एक देव कहते हैं, देवता कहते हैं। वैसे 33 कोटि देवता के जितने गुण को इकट्ठा करो, इतने गुण एक गौ माता में है, ये हमें ऐसे मानना है। तो ये कौन से गुण है, कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी वर्च्यूज है, उनको उजागर करने के लिए पंचगव्य, गाय के पंचगव्य बोलते, गाय गौ माता और गाय का दूध दही घी गौमूत्र और गोबर, उनको पंचगव्य बोलते हैं, उनका उपयोग करेंगे तो कहीं गौ में वसते लक्ष्मी दिखाई देगी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है, लेकिन उनका कैसे लक्ष्मी दिखाई देगी? तो इसमें गोबर का उपयोग कैसे करके हम हमारे किसान को समृद्ध करें, हमारी महिला को आत्मनिर्भर करें, हमारे युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाएं, उद्यमी बनाएं, ऐसा एक्सप्लोर करने का काम। और मैं कहूँगा फिर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वंदन करते हुए कि उनकी लंबी सोच देखो, कभी कभी हम बोलते थे हमारे ओपोजिशन वाले कि भाई मोदी जी ने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया, बात सही है, ये तो उनकी हिंदुत्व की व्याख्या सीमित है, संकुचित है, हमारी जो हिंदुत्व की व्याख्या है वो अभी हमारे दशहरा के विजयादशमी के उत्सव में हमारे परम पूज्य श्री सरसंघचालक जी ने कहा
इतनी ब्रॉड माइंडेड हमारी जो डेफिनेशन है। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री से जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने जो अलग अलग प्रयोग किए थे विकास के, डेवलपमेंट के, देश को, राज्य को समृद्ध बनाने के, उसमें एक ये था गौ सेवा का। मुझे गौ सेवा आयोग गुजरात का अध्यक्ष बनाया और बात की कि आपको इस गौ सेवा के विषय को आगे ले जाना है। तब मुझे भी पता नहीं था कोई कि हमारा राष्ट्रीय काम धनु आयोग में आने का हमारा कोई स्वप्न भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन वहां जो हमने काम किया, ये मैंने कहा ना कि ये समृद्धि को समाज के निचले तबके के लोगों की आय बढ़ाने में कैसे उपयोग होता है, उनके आधार पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना और मुझे यहाँ लाया गया कि अब जो काम गुजरात में हुआ है वही काम हम धीमे धीमे अपने देश भर में सभी राज्यों में करें। उसमें बात आई जैसे कि हमने निमित्त बना दिया इस बात को कि गाय का पंचगव्य का उपयोग करके, क्योंकि आजकल एक यही मान्यता है कि गाय दूध के लिए है, बस भूल गए बाकी की बात। और दूध में भी किसानों को आय इतनी कम होती है, दूध की भी वैल्यूएशन नहीं हुई है। गाय का दूध अमृत है, गाय काउ मिल्क इज एलेक्सिर, काउ मिल्क इज एम्ब्रोसिया, ये अमृत कहा गया तो व्हाट डू यू मीन बाय अमृत, ये लोग, ये भी लोगों को पता नहीं है। वो मेकुले में आ गया ना, मेकुले सिस्टम ने हमें सब भुला दिया। तो इन सब बातों को उजागर करने करके कैसे हमारे किसान की आय को दुगुना किया जाए, केवल दुगुना नहीं, मैं तो कहूँ तो मल्टीप्लीकेशन होगा आने वाले दिनों में। हम चाहते हैं और हमने शुरू किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के आदेश पर गुजरात में दो जो मिल्क डेयरी है, कोऑपरेटिव यूनियन, एक सूरत की सुमूल और एक बनास की बनास डेयरी, उन्होंने देसी गाय का दूध कलेक्शन अलग रीति अलग तरीके से करना, वहाँ की हमारी कांकरेज और एक गिर गाय उनका कलेक्शन करके उनका ज्यादा दाम किसानों को देना, अराउंड 50 रुपीज, जो कोऑपरेटिव में आज एक वो फैट पर और बाद में SNF पर जो नाप करके 28, 30, 32 रुपया ज्यादा से ज्यादा पर लीटर मिलता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दो ऐसे डेयरी को इंगित किया कि ऐसे शुरू करो और कोऑपरेटिव बेस पर 50 रुपया पर लीटर दूध किसानों से लेना, प्रोसेस करना, वैल्यू एडिशन करना और बाद में 70 रुपीज पर समाज में देना। लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि 70 रुपया कोई कॉस्टली नहीं है, उसमें जो क्वालिटीज है हेल्थ के लिए, आरोग्य की, उसके कारण उनको तो दाम देना ही पड़ेगा समाज को। ये बात को कराने के लिए ये प्रयोग करके किसानों को, यानी कि गोपालक जो गाय रखता है उनको 30 के बदले 50 रुपये मिलने लगे। काफी मात्रा में किसानों को एक गाय ने, दो गाय ने, 10 गाय 20 गाय ऐसे गोपालक रखने लगे। इनके कारण दूध की क्वांटिटी बढ़ी, उसके कारण उसमें भी दूध की क्वांटिटी और काव कितनी बढ़े, इसके लिए भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार में आकर के यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्थापित किया कि गाय के जो जेनेटिक है हमारा, उनमें 2 लीटर वाली गाय 4 लीटर वाली, 4 लीटर वाली 8 लीटर वाली, या तो 20 लीटर 40 लीटर तक कैसे पहुंचे, उनका जो पूरा साइंस है उनको एक्सप्लोर करना, बेस्ट प्रोजेनी को सिलेक्ट करना, गाय के अच्छा सा सांड, अच्छी गाय गौ माता, और उनके आधार पर पूरी उनकी हायरार्की कैसे श्रेष्ठ बने और किसान उनकी आमदनी बढ़े, ये पूरी चेक उनके लिए भी, ये भी एक आत्मनिर्भरता का, न केवल आत्मनिर्भरता का लेकिन एक समृद्धि का। बाद में किसानों को जैसे आज तो हम सिंपल ये बात करेंगे अभी कि गोमयी और गोमूत्र इनका प्रयोग करने का आदि नहीं, और वेस्ट, मुझे दुख से ये भी है कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी उनको कहा कि भाई उन्होंने बिना समझ के कि भाई ये तो वेस्ट है और उनके लिए कानून बनाया जाए, उनको कहीं नियंत्रित किया जाए। अरे भाई ये तो समृद्धि, ये तो धन है, अनएक्सप्लोर्ड है, उनको कैसे ऐसी ये जो हमारी संपदा है गौ संपदा उनका पॉजिटिव उपयोग करके इनकम सोर्स के रूप में करना चाहिए। तो ऐसा अनेक प्रयोग करके हम गाय के गौमूत्र से, गोबर से इतनी आइटम बनती है। आज मैं, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे तब कहेंगे कि उनके आधार पर किसान समृद्ध होगा, किसान जो गाय छोड़ रहा है वो गाय रखने लगेगा वापिस, दूध बढ़ेगा, गोमूत्र गोबर का भी उपयोग उनके उनका होगा,
तो उनके कारण कोई ऐसा नहीं कहेगा कि गाय में नहीं पाल सकता, गाय को छोड़ेगा नहीं किसान, गाय कोई गौ माता स्ट्रे कैटल के रूप में आवारा बाजार पर रास्ते में नहीं घूमेगी। ये दिन लाना चाहते हैं हम कि एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ गाय को समझाने का काम और उनके आधार पर नीतियां बनाने का काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने किया है, शुरू किया है।